काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं एंड अभी नंबर टू लगाए हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग घर से स्टार्ट हो रहा है और मैं घर पे ही हूँ। पिछले दो तीन दिन से मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, तो मैं घर पे क्यों वो भी बता देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जब जम्मू से आया था, मेरे साथ यासिर था। तो गाइस, यासिर वापस जम्मू जा चुका क्योंकि उसकी मम्मा थोड़ी बीमार हो गए थे, तो उसको वापस जाना पड़ा। तो मे बी वो 4-5 दिन में वापस आ जाएगा। बोल तो रहा था कि आ जाऊंगा, अब देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। सो गाइस, जो मेरे बाकी टीम मेंबर्स वगैरह थे, जैसे आलिया थी, तो आलिया भी अपने गाँव जा चुकी है किसी जरूरी काम के वजह से, उसके कुछ पेपर्स वगैरह भी थे उस वजह से, तो वो भी 1 महीने के बाद आ जाएगी। तो फिलहाल 1 महीने तक तो वो यहाँ पे है नहीं। और बाकी अपने एक प्रवीण भाई भी थे जो मेरे रूममेट है यहाँ पे, तो वो भी जा चुके हैं अपने घर, वो भी अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो बाकी अभी फिलहाल मैं रूम पे अकेला हूँ, बाकी सब लोग अपने मतलब काम वगैरह पे गए हुए हैं। तो फिर मैं सोचा थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो बाकी गाइस, मैं एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। कल रात को ना मैंने एक कटिंग की, मतलब मैं प्रोफेशनली ना ही तो हूँ नहीं, ना तो मतलब मैंने कभी कटिंग वगैरह की है, तो मैं अपनी बियर्ड सेट कर रहा था, जैसे कि आप देखते हो काफ़ी मस्त सेट हुई है। तो यहाँ पे एक और भाई थे मंजीत भाई बोलते हैं मेरी बियर्ड भी सेट कर दो। तो मैंने उनको बोला मैं कटिंग भी कर दूँ, बोलते हाँ यार करवानी तो थी, कर दो। तो उनने भी मेरे पे भरोसा किया, मैंने उनकी कटिंग कर दी, उसकी मतलब कुछ क्लिप्स ली हुई है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो काफ़ी मतलब मुझे लगा था कि यार बेकार सी कटिंग हो जाएगी, मेरे से पता नहीं होगी नहीं होगी, बट मैंने मतलब लिटरली काफ़ी अच्छी कटिंग की है यार। मतलब एज अ मतलब मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बट फिर भी इतनी अच्छी कटिंग की, मेरे को खुद पे प्राउड फील हो रहा है। टाइम किया कटिंग से मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको, मतलब मैंने अच्छी कटिंग की है या नहीं। मतलब फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो लगा कि मैंने बहुत बढ़िया कटिंग की है, कि मैं नाई ना होते हुए भी इतनी अच्छी कटिंग करना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट मैंने कर दिखाया, तो इससे पता लगता कि मेरे में एक और टैलेंट है। तो बाकी गाइज, आप इंजॉय करो वो क्लिप, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज, मैंने ना अभी अपनी बियर्ड खुद ट्रिम की, एंड फिर मंजीत भाई बोलते मेरी भी कर दो, एंड मैंने साथ उनको बोला मैं आपकी कटिंग भी कर देता हूँ। तो आज से पहले मैंने किसी की कटिंग की नहीं है, बट आज फर्स्ट टाइम करने वाला, तो देख लो अभी साइड से मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो अब मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना दिया जाए, जब हम ये काम कर ही रहे हैं। जो भी होगा, कटिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट मजा बहुत आएगा। तो गाइज, एक साइड छोड़ दी है और बेचारा अभी दुकान पे भी ऐसे ही गया था। तो गाइज, अभी ना मैं ट्राइपॉड पे सेट कर देता हूँ कैमरा, एंड उसके बाद आप देखो कटिंग कैसे होती है। कैमरा सेट कर लिया है, ऐसे मुड़े ऐसे आप। आज से पहले की भी नहीं और ना तो मैं नाई हूं, बट होप सो कि अच्छी हो जाए, भाई खुश हो जाए, भाई के पैसे बच जाएंगे कटिंग के। भाई टेंशन मत ले, खराब हो भी गए तो क्लीन करवा लेना। टकला करो जा। गाइस, अभी आप एक चीज देख ही सकते हो, अगर आपको मैं विजिबल नहीं हो रहा, आपको विजिबल हो रहा होगा। तो गाइस ये देख करो, ये मैंने अभी भाई के ना मतलब नंबर एक लगा दिए साइड से, ये देखो, देख रहे हो गाइस, ये नंबर एक लगा दिए मैंने साइड से, तो काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। एंड अभी नंबर टू लगाएंगे हम इस पे। तो गाइस ये देखो, ये लगा रहा हूँ इस पे, अब हम इस पे रखेंगे नंबर। थोड़ा ऐसे रखो करना, शाबाश।
तो गाइस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने एक नंबर मारा था ना इनको, तो एक नंबर को मैं अभी ब्लेंड, अगर आपको शक्ल आ रही है जो मैंने इनको एक नंबर मारा था ना ऐसे, तो गाइस देखो जो मैंने एक नंबर मारा था इनको, उनको मैं अभी ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि वो थोड़े नीचे वाले से मैच करे और अच्छे लगे, ऐसे ऑड ना लगे। तो जितना मैंने मतलब देखा है ना, मतलब नाई को कटिंग करते हुए, तो वैसे वैसे ही कर रहा हूँ मैं अभी। अरे मतलब मुझसे नहीं, से कटवाने के बाद जबरदस्ती कहाँ काटा मैं, ऐसे मत बोला। व्यूअर्स बोलेंगे कि यार लौंडा पकड़ के बाल खराब कर दिए लौंडे के। गाइस अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक होते हैं तो आप में से किसी एक बंदे के मैं बाल काट दूंगा जो कटवाना चाहेगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं काटूंगा। यहाँ से तो एक नंबर लगाया था और यहाँ से दो नंबर से ब्लेंड किया, ऊपर भी यहाँ आकर इसको तीन नंबर लगा दो ताकि अच्छे से ये मतलब हमको ब्लेंड हो जाए इसके साथ और अच्छा लगने लगे। देखो लाल तो लुक अच्छी आ रही है भाई की, भाई तुम स्मार्ट लग रहे हैं भाई को, तो आज मैंने मतलब हीरो ही बना दिया देखो एकदम। ओ भाई दाढ़ी भी मैंने काटी गई वैसे, तो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि मैं नाई बन सकता हूँ या नहीं। तो गाइस ये एक पहला ऐसा नाई है जिसके पास ना तो कंघी है और ना ही कैंची है तो बस एक ट्रिमर और जिसमें कुछ नंबरिंग भी हुई है। भाई का हौसला आप नहीं करना प्लीज, मां जी बोला बेची बेची हो जाएगी। प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है, ट्रिमर थोड़ा सा फिर से डेड हो गया, बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा था, तो मैं इसलिए 2 मिनट रुक जाती हूँ। जैसे ही ट्रिमर थोड़ा मतलब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद मैं आगे कटिंग प्रोसेस करता हूँ। एंड देखो आगे से भी मैंने भाई का ना वो बना दिया पूरा, आपने देखा होगा, तो काश हमने वो लिया होता बिफोर एंड आफ्टर, बट हमने लिया ही नहीं। और ये देखो काफी अच्छी लुक आ रही है यार भाई मंजीत। गाइस अभी हम इनको मारने वाले हैं कट। ओ भाई बिल्कुल हल्का हल्का, हट चल तेने मुंड तो जटा दे पुत, शहर तेरे भावे साडा नाम पुछ ना चलदा है टॉप उते तेरा यार, उतो मोटे नाल मोटा जोड़ खड़े यार, नी मेरे कम बत्ती होर चले काली कार, गए हैं बाल कटवाने के लिए। रोहित भाई आओ आपका नंबर है क्यों? अरे कटवा लो यार, अच्छे आप मुझे बताओ अच्छे नहीं काटे बढ़िया है ना भाई, देख ले पैसे बचाए इससे, अब पार्टी होगी। इतने गाने उतना ये आप मिरर में चेक कर सकते हो कि भाई की लुक कितनी अमेजिंग निकल के आई है, मतलब लिटरली यार मेरे को ऐसे मोड भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इतना अच्छा ना आई हूँ। देख लो गाइस तो ये भाई की साइड से लुक है एंड इस साइड से लुक देखो आपकी, जिसको भी कटवाना है आ जाए फ्री में कटेगी भाई। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कटिंग कैसी लगी, एंड अगर ऐसे ही कटिंग वाले ब्लॉग चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपको चाहिए कि रोहित भाई पे कटिंग करना है तो 1000 लाइक कर दो इस पे, मैं रोहित भाई पे कटिंग कर दूंगा। ऐसा लग रहा है आपको 2.5 लाख फॉलोअर वाले से कटिंग करवा के बहुत मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा देख के लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये मुझे किस मुंह को तो मैं भाई ऐसे रो ऐसे रो, वाओ अब साइड फ्रंट पोज, अब साइड पोज, क्या बात है यार। गाइस
मतलब मेरे लिए एक कमेंट तो बनता है और एक लाइक तो बनता है इस चीज के लिए। सो गाइस आई होप कि आपको आज की कटिंग वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ज्यादा टाइम लग गया तो कैसा लगा आपको ये मतलब मेरा कटिंग वाला व्लॉग? आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना, और अगर अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।